अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ क्लास 5, टॉपिक डेसिमल एंड परसेंटेज, एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A का आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू है सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 239.241, सब्ट्रैक्शन साइन 112.162। अब स्टूडेंट्स हमने इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिखना है ताकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्ट्रैक्शन साइन से फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2, वो हमारे के राइट साइड पे है तो हम राइट साइड वाली वैल्यू लिखेंगे। 2 आएगा टेंथ की जगह पे, 4 आएगा हंड्रेड की जगह पे और 1 आएगा थाउजेंड्स की जगह पे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज है, पॉइंट की लेफ्ट साइड वैल्यूज के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 वंस है, 3 टेंस और 2 हंड्रेड, सेम एज इट इज। अब हम इस वैल्यू पे लिखेंगे पॉइंट राइट वैल्यू 1, 6, 2 और लेफ्ट वैल्यू 2, 1, 1। ये हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा डिजिट है 2 से, तो 1 कैरी लेगा नेक्स्ट नंबर से। जब 1 में से एक नंबर कैरी लिया तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, 11। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने नंबर हो जाएंगे, 11। अब 11 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 9। अब यहाँ पे 4 ने जब इसे कैरी किया यहाँ नंबर है 3। अब 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा डिजिट है और 6 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से कैरी देंगे। 2 जब इसे कैरी देंगे यहाँ नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स 30। ठीक है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हम साथ में लिखेंगे 30। अब 30 में से हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, 30 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 7। ठीक है, अब 2 में से 1 नंबर कैरी किया यहाँ नंबर आ गया 1। अब 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर रहे, जब सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर 0 आता है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 पॉइंट मेंशन करेंगे। 9 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। ठीक है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, इसको भी हम सेम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड पॉइंट, यहाँ पे हमें लिखना है टेंस हंड्रेड और थाउजेंड्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब फर्स्ट वैल्यू पे लिखेंगे 6.684 और वंस के नीचे 4, 9 और फिर 2। अब सेकेंड वैल्यू लिखेंगे 0.2311.189। ओके, जैसे हमने एडिशन भी किया वैसे हमने सब्ट्रैक्शन भी करना है। अब 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 4 क्योंकि छोटा नंबर है तो इसे कैरी करके यहाँ नंबर हो जाएंगे 14। ठीक है, कितने नंबर होंगे, 14। अब 14 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 5। ठीक है, 8 में से एक नंबर कैरी किया यहाँ पे नंबर आएगा 7। अब 7 छोटा डिजिट है, 8 से 7 में से हमें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी लेगा यहाँ नंबर हो जाएंगे 17। ठीक है, कितने नंबर हो जाएंगे, 17। 17 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। ठीक है, अब 6 में से एक नंबर के यहाँ नंबर आएंगे 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अभी छोटा है इससे हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.4 में से 2, 9 में से 3, 6, 2 में से 1, 1। तो ये हमारा आंसर आया सब्ट्रैक्शन करने से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का और सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4,
थ्री वाला पार्ट आप लोगों ने बुक करना है। पार्ट नंबर फोर में हमारे पास वैल्यू है 380.141, सब्ट्रैक्शन साइन 249.112, ठीक है। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सॉल्यूशन में सेम एज इट इज, पार्ट नंबर वन में की तरह पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट की राइट साइड पर वैल्यू लिखेंगे 141, लेफ्ट साइड 813, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू लिखेंगे 249.112, ओके। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी फ्रेंड्स, मान में से हम टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन छोटा डिजिट है, नेक्स्ट से कह देनी है नंबर हो जाएंगे 11। अब 11 में से हमने टू को सब्ट्रैक्ट करना है, 11 में से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, ठीक है। 9 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। अब जब 4 में से नंबर कह रही है, यहाँ पर नंबर है 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, सेम है इसलिए, ठीक है। 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक छोटा डिजिट है 9 से, कैरी नहीं लिया हमारे नंबर जो 18 में से 9 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा जी फ्रेंड्स, 9, ओके। 1 में से कैरी कर दिया नंबर है 0, अब 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें नहीं होगा क्योंकि 0 छोटा डिजिट है, नेक्स्ट से कैरी नहीं लिया हमारे नंबर जो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 3 में जब इसे एक नंबर कैरी किया स्टूडेंट्स इन्हें हम रहेंगे 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। ये हमारा 4 वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है 5 वाला पार्ट, इसमें भी हम ऐसे लिख लेंगे लेफ्ट साइड 1s 10s 100, ठीक है स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखेंगे 1s 10s 100 1000, ओके। तो ये हमने 1000 को लिख दिया पॉइंट। अब हम राइट साइड पे लिखेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा 10s 100s और 1000, ठीक है ये हमने लिख दिया। अब वैल्यू लिखेंगे पॉइंट लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 8144, राइट साइड पे 291, सेकंड वैल्यू डेसिमल 943, ठीक है 628, ओके। अब ये फ्रेंड्स हम इस सीक्वेंस से लिखें, ये देखिए फर्स्ट थ्री वैल्यूज के पीछे हमने फर्स्ट थ्री वैल्यूज लिख दिए, जो फोर्थ वाली वैल्यू है उसके लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो वो ऐसे एज इट इज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 छोटा डिजिट है, 9 से कैरी करेंगे यहाँ नंबर कितने हो जाएंगे 11, 11 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। अब जब 9 में से एक नंबर कैरी कर दिया नंबर है 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा डिजिट है, कैरी लेगा यहाँ नंबर हो जाएंगे 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 डेसिमल। अब जब उसने एक नंबर कैरी कर दिया नंबर है 7 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 से कैरी लेंगे यहाँ नंबर हो जाएंगे 17, ठीक है 17 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या आएगा 8। 1 से नंबर कैरी कर दिया नंबर है 0, 4 से कैरी लेगा क्योंकि 0 छोटा डिजिट है, अब बड़ा हो जाएगा। अब 10 में से 6 को 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आएगा 6, 4 ने जब उसे कैरी नंबर दिया यहाँ नंबर है 3, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 4 एज इट इज, 4 के नीचे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स 5 वाले पार्ट का आंसर है, सेम एज इट इज। इसी तरह आपने पार्ट नंबर 3 करना है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स का होमवर्क करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके।
अल्लाह हाफिज़।